हेलो जी, क्या हाल चाल है? आपका स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज मुझे की चेन में एलईडी लेना थी, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था ले लूं, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पा रही थी, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा लाजपत राय में देख लेता हूं, दिल्ली आया हुआ हूं। मेरे पीछे है बालाजी टेली कम्युनिकेशंस, वहाँ आया, वहाँ पर मुझे मिल गई। लेकिन यहाँ आने के लिए जितना मुझे परेशान होना पड़ा है ना भाई साहब, बस पूरा लाजपत राय मार्केट घूम लिया, पूरा जो घड़ी मार्केट है वहाँ पर घूम लिया, कैमरा मार्केट घूम लिया, कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर मैं कैमरा मार्केट में एक बंदे हैं, उन्होंने मुझे मदद करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे फलाने जगह मिल जाएगा, मैं इसलिए यहाँ पे आ गया बालाजी टेली कम्युनिकेशन में। लाइट ये है, ठीक है, की चेन वाली, ये देख सकते हो आप, ये बहुत गजब है यार, बहुत गजब लाइट है, फ़र्क आप देख रहे होगे, ठीक है। अंधेरे में मैं शूट कर रहा हूँ अभी, कितना बेहतरीन शूट हो रहा है मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत बढ़िया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट, ये एक सेकंड भाई, ये हैं भैया, क्या नाम है भैया आपका? बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नाम है शॉप का मेरे, और नवीन शर्मा वैसे मार्केट में कहते हैं उसे। नवीन जी, ठीक है, नवीन शर्मा जी इनका नाम है, बालाजी टेलीकम्युनिकेशन, और जो दुकान नंबर है वो है 884, ठीक है, आओगे आप तो गौरीशंकर का मंदिर पड़ेगा सर, और वैसे मेट्रो से आओगे तो रेड फोर्ट मेट्रो पड़ेगा, और गेट नंबर 1 से एग्जिट करोगे तो वॉक इन डिस्टेंस में शॉप है, बाकी भैया बाकी क्लियर कर देंगे सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, अब आप फ़र्क देख सकते हो, रात में मैं शूट कर रहा हूँ, कितना क्लियर आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, मुझे तो मज़ा आ गया यार लाइट लेके, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई शूट चल रहा है लाल किले के बिल्कुल सामने, मैं वहाँ पे हूँ, ठीक है। पीछे मेरे लाजपत राय मार्केट है जहाँ से मैंने ये लाइट ली है। आप लोगों को भी अगर कुछ चाहिए हो, यहाँ से मंगाना हो, तो मैं यहाँ पे या कहीं पे स्क्रीन पे वो डाल दूंगा उनका कार्ड और एड्रेस वगैरह, आप वहाँ से आके या फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको, डिस्काउंट भी दे देते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है यार। चलो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ, कुछ भूख सी लग रही है, फिलहाल जा रहा हूँ मैं चाट खाने के लिए, हल्दीराम से आगे एक चाट कॉर्नर है, मैं फ़िलहाल वहाँ जा रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ और खिलाता हूँ वहाँ पे। चलिए, न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू चल रहा है भाई यहाँ पे, क्या बात है भैया, कैमरा मैन भैया, क्या बात है, क्या बात है। चलते चलते हल्दीराम आ गए, हल्दीराम से आगे है वो चाट, अभी शाम के लगभग 6:15 बज रहे हैं, देखता हूँ मिलता है नहीं मिलता है, पता नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि शायद बंद हो जाते हैं जल्दी, अगर मिल गए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कुछ और देखेंगे, भूख तो लग रही है, खाना तो है भाई। ये सामने रहा हल्दीराम, और थोड़ा सा आप आगे आओगे 8-10 दुकानें तो यहाँ पे ये चाट है अंदर, जो सामने लाइट दिख रही है आपको जलती हुई, और ये पुरानी बिल्डिंग है, नीचे डॉक्टर माथुर हैं जो बहुत मशहूर हैं, बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पे, और ये पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ तक मुझे पता है ये बिल्डिंग जैन लाइब्रेरी है कोई, ठीक है। यहाँ जा रहे हैं, जाते हैं और आपको दिखाते हैं फिर आगे क्या क्या है इनके पास, क्या नहीं है। ये है जी, अब आपको दिखाता हूँ इनके पास चाट वगैरह होती है, आलू की चाट, फ्रूट चाट वगैरह वो सब, मैं आलू की चाट खाने आया हूँ यहाँ पे इनके पास, दिखाता हूँ आपको भी, ऑर्डर करता हूँ कैसी है कैसी नहीं है बताता हूँ। ये है जी आलू की चाट, मस्त, और ये इनका मेन्यू है, आप देख सकते हैं शॉप भी है, क्या है किस चीज़ का कितना प्राइस है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। भैया फर्स्ट क्लास बना रहे हैं जी सब, मसाला हल्का हल्का, मैं आपको उधर ले चलता हूँ जहाँ अभी बना रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मसाला रख दिया प्लेट में, बढ़िया। क्या हुआ है, मसाला हल्का ही लगाना, ठीक है अंकल जी। कितने साल पुरानी दुकान है अंकल आपकी? 1920 से है, क्या बात है। तो आपके आपके कौन मतलब दादाजी, आपके आप कौन सी पीढ़ी, आप भी साथ में ही हैं, थर्ड जनरेशन है आपकी, क्या बात है। ये देखिए सारे मसाले वसाले डाल दिए अपने, इनके मसाले हैं, बढ़िया भाई साहब, सॉर्ट हो रही है वो, क्या बात है।
जब तक चार्ट तैयार हो रही है मैं आपको बता दूं, 1920 से बता रहे हैं भाई, 1920 से है ये। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मुझे था कि अभी पुरानी होगी, लेकिन इतनी पुरानी मुझे अंदाज़ा नहीं था। थैंक यू जी। ये देखो जी, ये आ गई है चार्ट गर्मा गर्म। अब बताता हूँ आपको क्या है कैसा है। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त होती है यार इनकी, कई बार खाई है हमने, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ आज पहली बार। चलिए एरिया देखो भाई, जहाँ पे है ना ये, कितनी पुरानी बिल्डिंग है यार ये, देख पा रहे हो? नहीं, पता नहीं, नहीं देख पा रहे हो? कितनी पुरानी बिल्डिंग है क्या आपको, ठीक है। वहाँ पे इनका ये स्टॉल है, फ्रूट चाट वगैरह भी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं ये, ठीक है। अभी मेरे आगे रखी है ये आलू की चाट, मस्त देख सकते हैं आप, धुएं निकल रहे हैं भाई साहब इसमें से, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये है जी आलू, हाँ जी अभी बैठ के खाएंगे, मस्त पीछे का नज़ारा बहुत बेहतरीन। देखिए आलू, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये चटनी है, बाकी मसाला है। मैंने इनको लाइट मसाला लगाने बोला था, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ हो गया यार, और तेज़ मसाला तो पता नहीं कितना तेज़ होगा, लेकिन बहुत बढ़िया। आलू का साइज़ देख सकते हो आप, आलू में बढ़िया क्रिस्प है, क्रिस्पी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हुआ हुआ है। फ्राई बढ़िया कर रहे हैं, ऑलरेडी फ्राई चलता रहता है इनका, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट फ्राई करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिस्पीनेस ज़्यादा है इसके अंदर। ओवरऑल बहुत बढ़िया है यार ये, ठीक है। उसको खाता हूँ, फिनिश करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ आगे। खा लिया भाई चाट वगैरह? खा ली है, मज़ा आ गया खाने में यार भाई साहब, बहुत टाइम बाद मैंने चाट खाई है, दिल खुश हो गया। खैर अभी फ़िलहाल आगे निकलते हैं, अब कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है। मीठा सोच रहा हूँ छेना राम के यहाँ खाऊँ भाई, छेना राम के यहाँ ना ये जो सीज़न चलता है, सीजनल जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आजकल सीज़न आया गाजर का हलवा, उड़द की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं उनके पास जो सीजनल चलती हैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ वहाँ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलिए पहुँचता हूँ वहाँ पर और आपको दिखाता हूँ। फतेहपुरी पहुँच गया हूँ, फतेहपुरी के बिल्कुल बराबर में है छेना राम, ठीक है। अभी यहाँ पे जाता हूँ मैं छेना राम के पास, उनकी दुकान से मैं कुछ क्या पूछता हूँ उनसे, सीजनल क्या बना है, क्या रेट में है, उस हिसाब से ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ फतेहपुरी के बिल्कुल सामने, और मेरे बिल्कुल सामने है छेना राम, सब सामने सामने हो रहा है। चलिए चलता हूँ आगे। ये देखिए छेना राम, ये आ गया हूँ भाई। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं बढ़िया इनके पास, हलवा वगैरह है फर्स्ट क्लास, पीछे बैठने का भी है सिस्टम, खा पी भी सकते हैं। बाकी इनकी शॉप है ये, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माल होता है, ज़बरदस्त घेवर भी रखा है भाई इस टाइम पे। बाकी और कुछ हलवा वगैरह में कुछ है? वो गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, गाजर का हलवा, मूंग दाल खत्म हो गया। किस टाइम मिल जाता है? मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाएगा, क्या बात है क्या बात है। बाकी फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, पिंडी वगैरह है ये है, और उधर बता रहे हैं खजूर है रखी हुई, क्या बात है। 900 रुपये, क्या बात है। ये अफशी हलवा है ना, सोन हलवा है, अच्छा ठीक है। सोन हलवा क्या रेट में सर अपने पास? 840। तो भाई मिठाई ले ली है मैंने, मिक्स मिठाई ली है। ये शॉप है सन 1901 से, 1901 से भाई साहब, लगभग 120 साल के आसपास हो गए इस शॉप को, 120 साल पुरानी शॉप है। आइटम इनके A1 होते हैं। सबसे बड़ी आइटम जो मुझे इनका लगता है ना, वो लगता है सेव हलवा। किसी ने अगर खाया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई आपको कैसा लगता है, लेकिन जो मैंने खाया भाई गज़ब लगता है मुझे, उससे बढ़िया कोई आइटम नहीं है। सारे अपनी अपनी जगह मतलब बढ़िया है, लेकिन जो सेव हलवा है अल्टीमेट है भाई इनका। खैर फिलहाल जो आइटम है वो सीजनल है, मैं खाता हूँ और आपको बताता हूँ मुझे कैसा लगता है वो आइटम। ये आइटम्स हैं जो मैंने लिए हैं अपने लिए, ठीक है। ये बता रहे हैं खजूर, ये है चॉकलेट बर्फ़ी, ठीक है, ये है तिल का लड्डू, और ये है हबशी हलवा, ठीक है। ट्राई करते हैं खजूर से, ये है खजूर, खजूर से ट्राई करते हैं ये कैसा लगता है मुझे, क्या टेस्ट होता है इसका, ठीक है। खजूर की बात करूं भाई, ये देसी घी में बना हुआ है,
आपने शायद कभी खाया हो सोन हलवा, ठीक है, जो एक टिक्की सी होती है ना, उसमें वो नारियल लगा के ऊपर से देते हैं सोन हलवा, तो ये उसी की शक्ल है। बस फर्क यह है कि ये सोन हलवे को थोड़ा सा इन्होंने खजूर की शेप में बना दिया है। मैंने पहली बार खाई है, इससे पहले मैंने खजूर टेस्ट नहीं की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है जी चॉकलेट बर्फ़ी, ठीक है, ये मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ। छिना राम जी की जो चॉकलेट बर्फ़ी है वो कैसी है वो मैं बताता हूँ आपको। बहुत बढ़िया है यार, इनकी मिठाई बड़ी प्योर होती है भाई साहब। आप खाते हो ना भाई, तृप्ति हो जाती है, मतलब जिसमें ऐसा हो जाता है संतुष्ट, एकदम सेटिस्फाइड एकदम से, यहाँ से जब जाता है ना अंदर, हाँ हाँ हाँ। फिलहाल तो जबान बता देती है दिमाग को कि हाँ भाई बहुत बढ़िया आइटम आने वाला आ गया है। पेट से कह देती है भाई तैयार रहो। ऊपर चॉकलेट है, नीचे बर्फ़ी है, और दोनों जब ब्लेंड होके जाते हैं ना भाई, क्या गजब टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया। ये है लड्डू तिल का, ठीक है, ये भी मैं बहुत बार खाया है, लेकिन इस टाइप का लड्डू जो है ना, नारियल और तिल दोनों मिला हुआ है इसमें, नारियल मैं हाथ में फील कर सकता हूँ, टेस्ट करता हूँ कैसा है। तिल का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है भाई इसमें, ठीक है, घी है, तिल है, अलग ही है कुछ, बर्फी में नहीं मिला सकते इसको आप, तिल का लड्डू भी नहीं बोल सकते इसको आप, ये हालांकि बोल रहे हैं, लेकिन तिल के लड्डू जो बाहर मिलता है ना मावे में मिला हुआ, ये वो वाला नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, इसका टेस्ट अलग है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मतलब खाने में अल्टीमेट मज़ा आ रहा है इसको, एक बार और खाऊंगा यार मैं। बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट आइटम जो है ना वो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ, एक से एक बेहतरीन हलवा खाया मैंने रामपुर में, दिल्ली में भी एक से एक बेहतरीन हलवा खाया है, पुरानी दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ भी, अल्टीमेट चीज़ होती है, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है ना वो सबका अलग अलग होता है, सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। ये बॉर्डर पार भी बनता है, वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से बनता है, वहाँ के लोग भी बहुत इसको अच्छा बोलते हैं, मैंने नहीं खाया कभी घर, लेकिन यहाँ जो बनता है वो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको टेस्ट इसका, ये होता क्या है, मैं बेसिकली बताऊँ आपको, इसको हफ्शी हलवा बोलते क्यों हैं। हफ्शी हलवा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हफ्शा है एक जगह है अफ्रीका में, ठीक है, पहले थी, अब तो नहीं है, अब उसको इथियोपिया बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या है उसका वो है एग्जैक्ट, आप गूगल कर सकते हो। खैर, लेकिन एक हफ्शा नाम की जगह थी, वहाँ पर जो लोग होते थे ना वो बड़े स्ट्रांग होते थे, ठीक है, खाते क्या थे वो यही सी चीज़ें खाते थे, दूध पीते थे, मावा खाते थे, और जो मेवा होता है ना, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाते थे, उसकी वजह से स्ट्रांग होते थे। वही उसको एक पैटर्न बना के जो है ना, यहाँ के जो हलवाई लोग थे जो इंडिया में, या फिर जो एक सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे जो हलवाई थे, उन लोगों ने उसी चीज़ का एक जो है पूरा एक हलवा टाइप का बना के पीसेस करके और वो खाना शुरू कर दिया, जिससे जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी विंटर्स में, तो इसका कॉन्सेप्ट वो है। बाकी कुछ लोग इसको मिलाते हैं कलर से, तो भाई ये बहुत गलत है, कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बड़े रेसिस्ट लोग हैं यार वो, जो ये सोचते हैं कि इसको कालेपन की वजह से इसको हफ्शी हलवा बोलते हैं, भाई ये काला नहीं होता, ये गोल्डन कलर का होता है, ये गोल्डन कलर का होता है बेसिकली, या फिर ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। हफ्शी जो लोग होते हैं ना इथियोपिया के, वो डार्क स्किन्ड होते हैं भाई, वो इतना तो फर्क थोड़ा सा रखो आप, कलर से कोई लेना देना नहीं है इसका, बाकी जो इसका टेस्ट है ना, जो इसके अंदर इन्ग्रीडियंट्स हैं उसका लेना देना है, वो है मेन चीज़। चलो मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ इनका कैसा है। भाई अल्टीमेट है, सॉफ्ट है भाई साहब, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, गजब, पूरा ही ले लेता हूँ, पिन्नी में है यार, अब निकालूंगा ना तो हाथ थोड़े वैसे हो जाएंगे। बढ़िया, अच्छा है, लेकिन एक बात बोलूँ आपको, चेना राम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, इनकी बुराई या फिर अच्छाई कर मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, ये जो माल है ना, इससे बढ़िया माल मैं आपको रामपुर में खिला सकता हूँ, इससे बढ़िया माल, बड़ी बात बोल दी है मैंने, लेकिन फिर भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, देसी घी में बना हुआ है प्योर, आप खा सकते हो, टेस्ट आपको आएगा देसी घी में, 900 रुपये किलो है भाई, तो ऐसे तो बना के देंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो इसका टेस्ट है ना वो रामपुर में हलवे में ज़्यादा है यार, यहाँ पे वो मज़ा नहीं आया। चलो खैर, हफ्शी हलवा रामपुर का भी हमने खाया ही है, जो भी है बढ़िया है, ठीक है, फिलहाल तो यही है सब कुछ, मैंने ये चार आइटम लिए थे फिलहाल, इनके पास गाजर का हलवा भी होता है, इनके पास थोड़ा दाल मूंग दाल, वो सब ख़त्म हो चुके हैं, वो किसी और दिन आएंगे ट्राई करेंगे और इनसे लाला जी से बात भी करेंगे,
ठीक है, कब से है, क्या है, इनके फैमिली में कौन कौन है, कौन सी लाइनेज है ये जनरेशन की, वो सारी बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम। फिलहाल तो ये सब है, उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका।